रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने नागपुर स्टेशन पर खड़ी ट्रेन से 84,140 रुपए कीमत का 8,364 ग्राम गांजा जब्त किया। साथ ही एक यात्री को भी गिरफ्तार किया गया है। आरपीएफ नागपुर के निरीक्षक आरएल मीना के नेतृत्व में आरक्षक दीपचंद पटेल, अनिल उसैंडी और जांगिड़ मंगलवार और बुधवार की रात करीब 9:45 बजे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 3 पर गश्त लगा रहे थे। तभी उन्हें प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन क्रमांक 12807 समता एक्सप्रेस के D1 कोच से गांजे की तेज बदबू आई। इस कोच में जाँच करने पर बर्थ नंबर 31 पर बैठे गोघर रीवा मध्य प्रदेश निवासी रेल यात्री शंकर अशोक केवट के पास एक बैग मिली। बैग के बारे में पूछताछ करने पर उसने बैग में गांजा होने की जानकारी दी। ऐसे में केवट और बैग को स्टेशन पर उतारा गया। आरपीएफ नागपुर मंडल के सहायक सुरक्षा आयुक्त कोटा जोजी के सामने सहायक उपनिरीक्षक बीएस बघेल ने पंचनामा किया। इसमें 4 बंडल गांजा बरामद हुआ। इसका वजन 8 किलोग्राम और कीमत 84,140 रुपए आकी गई। इसे जब्त कर पूछताछ में केवट ने बताया कि वह विशाखापट्टनम से इटारसी तक उक्त ट्रेन से यात्रा कर रहा था और इटारसी से जबलपुर जाने वाला था। इस आधार पर से जब्त गांजा और आरोपी केवट को आगे की कार्रवाई के लिए रेलवे पुलिस के हवाले किया गया। यहां उस पर केस दर्ज किया गया। संपूर्ण कार्रवाई आरपीएफ कमांडेंट आशुतोष पांडे के मार्गदर्शन में की गई। नागपुर डिवीजन में श्रीमान वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त श्री आशुतोष पांडे साहब के मार्गनिर्देशन में गांजा तस्करी करने वालों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। तो अभियान के तहत हमने एक टीम बना रखी है। टीम के एक निर्देश दिया गया है कि जो भी यहां से गाड़ियां गुजरती है उन गाड़ियों की चेकिंग करते हैं। तो चेकिंग के दौरान दिनांक 12/1/2022 को रात्रि में समता एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 12807 प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आई, जिसके जनरल कोच को चेक करने पर D1 कोच में 63 बर्थ पे एक पैसेंजर जिसका नाम है शंकर केवट, उम्र उसका 33 ईयर और रीवा मध्य प्रदेश का रहने वाला है, उसके पास एक बैग में गांजा मिला जिसके पास 4 बंडल गांजे के थे, जिसका टोटल वजन लगभग 8 kg 300 ग्राम से ऊपर था, जिसको पंचनामा के तहत सीज किया गया और उसकी कीमत 84,000 मतलब 84,160 रुपये के समथिंग है, जिसको अगली कार्रवाई तो जीआरपी को सुपुर्द किया गया है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़ नागपुर।